कैसे हैं आप इट्स सो गुड टू बी बैक हियर फर्स्टली थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम आप सब लोग यहाँ पर हो टू बी अ पार्ट ऑफ द स्पेशल ओकेजन फॉर अस थैंक यू सो मच आपने पिछली फिल्म में बहुत सपोर्ट किया था बहुत प्यार दिया था और उसी आशा से एक और पारिवारिक फिल्म लेकर आ रहे हैं सो so प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार फिर से दीजिएगा थैंक यू सो मच बिल्कुल हमारे जो दोस्त हैं जो आपके ऑर्केस्ट्रा और डांस के मेंबर्स हैं आप यहाँ आएंगे एक एक भजन भजन कुमार साहब आप यहीं पर रहेंगे ये लीजिए आपका फोन और आप सब यहाँ आइएगा यस yes. आइएगा इनके पीछे खड़े रहेगा राइट right हेयर सर हमारे सुपरस्टार के लिए एक चेयर जरा आप ने, लेते ने, लेते ने, अरे खड़े खड़े करते हैं खड़े खड़े सर बहुत सवाल है मेरे पास बहुत सवाल है मेरे पास आइए ना आइए ना चेयर really, सर आपका पहला इंटरव्यू है मीडिया के सामने अरे दो घंटे से कमरे में ही बैठा हुआ था सॉरी अबाउट दैट मेरे लिए भी एक कुर्सी हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा शुक्रिया 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 बहुत डिफिकल्ट स्टेप नहीं है सिंपली है साथ में करेंगे पक्का अब तक हम भजन कुमार साहब से मिल रहे थे बातें कर रहे थे अब विकी से मिलने थोड़ा या ओके यस आई मस्ट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग अरसो हो गए बरसो हो गए मतलब मैं नाइन्टीज की दीवानी एक ऐसा गाना जो केवल दो बार सुनाया दोस्तों को और लिरिक्स याद हो गए जो वाई बाई है कॉन्ग्रेचुलेशन वॉर अ सॉन्ग Oh, thank you, thank you. I think uh, the real heroes behind this song is the team that made this song, uh, da, the genius and the master that he is, Amitabh Bhattacharya, who wrote the song, and Nakash who sang the song. Uh, Vijay Ganguly who choreographed the song. So I think those are the real heroes, and of course, Victor Sir, who was the main Karta Dharta, directing everybody. so uh, आई एक्चुअली इंस्टेंटली in love with this song. ये पहला गाना था जब हमने शूट किया और ये जब गाना आया दिस इज़ द इंट्रो ऑफ भजन कुमार into the द फिल्म ऑल्सो और ये जब कन्हैया ट्विटर पर आ जा गाना सुना मैंने तो मैं एक्चुअली इस दिन का बहुत वेट कर रहा था कि गाना कब आए और लोगों तक पहुँचे क्योंकि मैं अपने गाड़ी में ये गाना बहुत चला के अकेले ही पार्टी करता रहता हूँ कि ये कोई सुन नहीं सकता किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता पर अब मैं सबके साथ शेयर कर सकता हूँ

हम सब ने जगराते तो देखे हुए हैं जगरातों पे गए हुए हैं तो ये हमारा जो एक फिक्शनल शहर है फिल्म में जिसका नाम है बलरामपुर ये बलरामपुर का पुर का एल्विस प्रेस्ली है माइकल जैक्सन है भजन कुमार और ये वो रॉक स्टार ना बहुत इंजॉय करता है दी अटेंशन दैट ही गेट्स द सेलिब्रेशन दैट ही गेट्स टू बी अ पार्ट ऑफ ये बहुत इन्जॉय करता है चाहे जगराता हो चाहे घर की छुट्टी हो बर्थडे हो मुंडन हो कुछ भी हो ये पहुंच के जाके अपना मैजिक बिखेरता ही बिखेरता है एंड आई थिंक द सॉन्ग रियली ब्रिंग्स दैट आउट इनक्रेडिबली यू सॉ एंटायर ग्रेट इंडियन फैमिली ऑल्सो इन द इन द सॉन्ग सो अभी तक ट्रेलर आने से पहले पहले इतना ही रिवील कर सकता हूँ कि ये बलरामपुर का माइकल जैक्सन है बलरामपुर का माइकल जैक्सन हैज नॉट येट ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम पहले गाने के साथ लोगों से मिल रहे हैं और आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली बैंगर ऑफ़ अ ट्रैक कंग्रेचुलेशन अब चलते हैं कोर्स ग्रेट इंडियन फैमिली की ओर अनाउंसमेंट वीडियो जो हमने देखा यू नो जहाँ पर हमने देखा कि वो क्रेज़ी हैं कभी कभार हमारी फैमिली को हम ओवर भी बोल सकते हैं अपनों में राइट right? लेकिन जस्ट फॉर फन यू नो ये फैमिली कैसी है क्या क्या कहेंगे आप मेरी ऑडियंस से ये आई थिंक ये जो फिल्म का टाइटल है ना द ग्रेट इंडियन फैमिली ये बहुत ऐप टाइटल है बिकॉज़ इस फैमिली के ज़रिए यू एक्चुअली सी इंडिया जो एक इंडिया की खूबी है कि हम एक ही देश में बहुत रंग हैं बहुत रंगीन देश है और वैसे ही हर परिवार में वो सारे रंग होते हैं पापा का अलग रंग है मम्मी का अलग रंग है बुआ का अलग रंग है मासियों का अलग रंग है चाचियों का अलग रंग है और आज तो बहनों का दिन है बहनों का अलग रंग है और बाय द वे राखी की सबको बहुत बहुत बधाई uh, सारी बहनों को मोर पावर टू यू बट वो सारे जो फ्लेवर्स है ना जो एक घर में आपको सेलिब्रेशन भी मिलते हैं गाना भी सुनाई देता है और बर्तन भी गिरते हुए सुनाई देते हैं तो <laughs> <laughs> कई बार ये भी होता है कि स्पेशली हमारे इंडियन घरों में ये होता है कि जब वो ज्यादा खुश होते हैं तो बगल वाले को लगता है शायद लड़ाई हो रही है फिर वो बोलते कि नहीं यार हम तो मजे कर रहे थे तो, uh, तो वो सारी चीजें इस फिल्म में है इन अ वेरी इंडियरिंग वे इन अ वेरी वार्म वे एंड दैट इज वॉट एक्चुअली पोल्डमी टू दिस फिल्म ऑल्सो कि मुझे लगा कि यार ये फिल्म ना जब मैंने पहली बार सुनी विक्टर सर से मैंने कहा यार ये ना मुझे अपने पूरी परिवार के साथ देखनी है यू नो इट वॉज लाइक दैट तो आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि जब ये फिल्म आए और इसके और पत्ते खुलें पीपल ऑल्सो फील दैट एंड इवेंचुअली

आई थिंक आई थिंक हमारा जो एक फैमिली कल्चर है इज ऑल्सो वॉट मेक्स दिस कंट्री वेरी यूनिक यू नो जो आप बाहर जाकर भी देखते हैं सबके अपने culture है, सब अपने कल्चर हैं सबके अपने अपने रीति रिवाज है पर यह चीज़ बड़ी मिस होती है जो यहाँ पे ना मतलब वो सिर्फ पेपर पे लिखने के लिए होता है कि दूर की मौसी <laughs> दूर का कोई नहीं होता हमारे यहाँ है ना वो मासी ही होती है जो मासी होती है क्या बात है सो so, uh, वो यहाँ पे ना बहुत स्पेशल है हमारे यहाँ की मतलब मेरी मासी जो है लुधियाना में रहती हैं वो आज भी हर बर्थडे को मेरे बर्थडे पे मुझे फ़ोन करके ये बोलती ज़रूर है कि जब तू तो पैदा हुआ था ना तेरे डैडी नहीं थे अंदर मैं थी मैं तेरी मम्मी के साथ तो वो जो हक है ना एक फैमिली का हर परि हर हर मर पर वो मुझे बहुत प्यारा लगता है और वो आई थिंक हमें बहुत स्पेशल भी बनाता है तो मेरी रियल फैमिली भी हम सबकी फैमिली की तरह वैसी ही है कि

ये भी खुशी थी कि यार छह महीने से जो घर बैठे थे कि पता नहीं शूटिंग शुरू होगी नहीं होगी कैसे काम होगा फाइनली हम शूटिंग कर पा रहे थे तो वो एक्साइटमेंट भी थी कि यार हम वेट कर रहे थे कि कब शूटिंग करने का मौका मिले तो व्हेन वी यूज टू कम ऑन सेट सो वो सारे वो जो रूल्स तब सेट थे ना एक फिल्म सेट के लिए कि टेस्टिंग रोज होगी फलाना रोज होगा ये सब होगा फलाना तो ये सब होता था और इतने क्राउड में एंड इट वॉज जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग दैट यू नो कभी कुछ वैसा नहीं हुआ कि किसी को कोविड हो गया शूटिंग रोकनी पड़ी एंड स्ट्रेंजली मिरेक्युलसली लाइक यू नो इट वेंट वेरी स्मूथली सो इट एक्चुअली टर्न्ड इनटू अ सेलिब्रेशन और कहीं ना कहीं जो हम कन्हैया जी को याद कर रहे थे तो कन्हैया जी ने बचा भी लिया था हमें बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली चलो एक भजन कुमार की ओर बढ़ते हैं जी इतने कमाल के कड़कते भड़कते सिंगर विद हिज ऑर्केस्ट्रा जैसे आई वुड से

म्यूजिक uh, की बात करते हैं बिकॉज दिस इज परहैप्स अ कैरेक्टर दैट लेंस इट दिस क्वेश्चन म्यूजिकल इंस्पिरेशंस कौन रहे हैं कौन हैं वो सिंगर्स जिनको विकी आइडलाइज करते हैं ओह, आई थिंक फॉर मी देर आर टू नेम्स दैट आर कमिंग टू माय माइंड राइट नाउ एक तो किशोर कुमार जी हैं हु विद हिज सॉन्ग्स विद हिज परफॉर्मेंसेस इन हिज वोकल्स हिज परफॉर्मेंसेस इन हिज म्यूजिक ऑन स्क्रीन एवरी थिंग आई थिंक वो एक बहुत ही मैजिकल बहुत ही गिफ्टिड आर्टिस्ट थे जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब सीखते ही रहेंगे उनसे एंड सेकेंड नेम इज़ गुरदासमान साहब आई एमज फैन ऑफ हिम एज अगर एज अग तो या गुरदासमान साहब एंड किशोर कुमार I must say, I'm still not over. Sorry, I'm also not a singer. But the amount of success—this success, Zara Hatke, Zara was phenomenal. Okay, it was different. I don't know why. I can't put a finger on it. But I feel that India just went with you, Vicky. You know. So, have you got, uh, you know, at this point, any sort of pressure because suddenly there's going to be like, this be hit, yeh hit."

एट अ टाइम जब लोग कह रहे थे कि यार ऐसी पिक्चरें नहीं चलेगी और लोग नहीं एक्चुअली एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऐसी पिक्चरें नहीं चलेगी ये ओ टी टी के लिए है फलाना हैन उस फिल्म से लेकर अभी तक इट्स बीन सच अ गुड रन फॉर आर फिल्म इंडस्ट्री वेर एवरी फिल्म इज़ ब्रिंगिंग दडियंस बैक टू थिएटर्स एंटरटेन कर रही है रुला रही है एक्शन हो रहा है व्हाट गदर टू इज डूइंग इज इनक्रेडिबल और वो इतना अच्छा भी लगता है यू you नो know, कि जब हर फिल्म एक एक सेलिब्रेट सेलिब्रेट हो रही है uh, यही मेरी uh, प्रेयर भी है कि अभी इस फिल्म को भी वैसा प्यार मिले उससे ज़्यादा प्यार मिले इसके गानों को भी प्यार मिले बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ फैमिली फिल्म दिस इज समथिंग दैट वी कैन ऑल रिजॉयस एंड सेलिब्रेट अलॉन्ग विद अ फैमिली सो या फिंगर्स क्रॉस्ड

से बहुत अलग है द स्केल इज वेरी डिफरेंट द बजट इज वेरी डिफरेंट बट इट स्टिल ऑडियंस दिविंग इट अ चांस और सबको मौका मिला सबको सेलिब्रेट किया गया बैक टू बैक एवरी फ्राइडे विच इज जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड सो इनकेजिंग एंड थैंक यू टू देंस वोर फॉर जस्ट लाइक यू नो हमें अपने आप में विश्वास दिलाने के लिए वापस यू नो और आपके प्यार के वजह से ही हमें शक्ति मिलती है हमें वो स्ट्रेंथ मिलती है कि यार हम जो कहानी दिल से कहना चाहते हैं वो आप तक लेकर आ सकते हैं सो so, uh, मुझे लगता है कि कंटेंट हमेशा ही बात करेगा एंड होपफुली uh, ये hopefully. भी बात करे आई लाइक इट टीजीआईएफ बाय द वे द ग्रेट इंडियन Family, DGIF hmm. का एक नया मतलब हमने हमने अब अब दे दिया करे? है है लोगों को विच आई थिंक क्या क्या होगा USP, if I ask you? हमने देखा नहीं अब तक ट्रेलर but according to you, क्योंकि हम सब हैं है इस फिल्म की I think USP, uh, जो इसमें इंडियन शब्द है ना वो धीरे धीरे खुलेगा और आपको पता लगेगा ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात भी करती है ट्रूली रिलेट टू ऑल्सो और वो चीजें आगे आपको दिखाई देंगी बट अब के लिए भजन कुमार इज द यू एस पी फॉर टुडे एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट पीपल रियली गिव दर लव टू भजन कुमार रिय गिव दर लव टू दिस ग्रेट इंडियन फैमिली एंड यस वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें और

बाकियों के लिए अरे भाई साहब इस गाने में ना एक जब आप पूरा गाना भी देखोगे YouTube पे उसमें एक लाइन है जो भजन कुमार जी कहते हैं कि जो गिनते-गिनते थक गए, वो संपत्ति किस काम की धनवान वही सच्चा है जिसपे कृपा दृष्टि घनश्याम की क्या बात है

कि जो uh, मेरे लिए खूबी यह है कि इनका एक इनोसेंस है भजन कुमार का एक एक सच्चाई है जिससे वो जीते हैं एंड दैट फॉर मी इज़ रियली लवली जो भजन कुमार की एक जो एक 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 क्या कहते हैं उसे और है एक जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये दिन भर ऊपर वाले को याद करता है और वो एंजॉय करता है और वो लोगों को इन्जॉय करवाता है

कई साल पहले जब कोई पिक्चर नहीं थी ऑडिशन दे रहे थे और थिएटर करते थे तब कई चक्कर लगाए थे यशराज के स्टूडियो में और ऐसे देखता था कि यहाँ पे किसी दिन काम मिलेगा यहाँ पे किसी दिन काम मिलेगा तो आज जब वो काम मिला और वहाँ पे काम करने का मौका मिला सो आई थिंक आई वाज आल्सो कैरिंग दैट हैप्पीनेस एवरी डे ऑन सेट कि ड्रीम्स डू कम ट्रू सो अपना दोस्त यशराज की फिल्मों का हीरो बन ही गया यार। मस्ट से वंडरफुल टाइम इन देयर व्हेन उनको हर किसी से प्यार ही मिलता है मोहब्बत ही मिलती है एंड आई होप दैट दिस फेस फॉर यू स्टेज फॉरएवर एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं हियर बिकॉज आर हियर सो कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट विद भजन कुमार थैंक आप सब के लिए रियली really, रियली really, तहे दिल से शुक्रिया मेरा एंड थैंक यू फॉर टर्निंग अप थैंक यू भजन कुमार को मौका देने के लिए मुझे मौका देने के लिए और आप सबके प्यार का हमेशा भूखा रहूँगा और वो भूख बढ़ती ही जाती है हर फिल्म के साथ इतने भी प्यार दीजिएगा और थैंक यू सो सो मच साथ में